ठीक है, इसे हिलाना नहीं है बिल्कुल, ये लाइट आनी चाहिए ऐसे, इसे पकड़ो ठीक। अब मैं जाऊँगा, आ जाओ आ जाओ यहाँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आगामी जो 16 तारीख है उस दिन जो भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा है, तो इसके अंदर कैराना के अंदर एक बहुत सुंदर भव्य बुद्ध विहार का अनावरण किया जाएगा, जिसमें सम्राट अशोक की लाट, भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर प्रतिमा, विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है, जिसका अनावरण अपने हाथों से सुभारती यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण बोध जी करेंगे, और विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज का तस्वीर का जो मूर्ति उसमें लगी हुई है बेहतरीन, उसका अनावरण श्रद्धे युवा दिलों की धड़कन सभी दिल्ली NCR की जान श्रद्धे बालक राम बोध जी करेंगे। इसके अंदर और जगह जगह से वक्ता होंगे, जिसके अंदर मैं भी स्वयं एक वक्ता भी हूँ, और इसके अंदर रेनू सिंह जो सहारनपुर से विपश्यनाचार्य, जो भगवान बुद्ध की असली शिक्षा है विपश्यना आचार्य, उसके अंदर होंगी, उसके अंदर रोमाधिकांत जो भगवान बुद्ध बाबा साहब महामना ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता भीमाबाई रामाबाई, इन सब का प्रचार प्रसार में सहयोग कर रहे हैं। इसके अंदर मुजफ्फरनगर से एक गाड़ी स्पेशल चली है बस भरकर, जिसके अंदर उन्होंने बाबा साहब का गांव-गांव कैडर लगा लगा कर, रोशन लाल बोध जो ठेकेदार हैं वो उसके अंदर उपस्थित होंगे। इसके अंदर सम्राट अशोक लोनिस है, युवा दिलों की धड़कन, जो अपने क्षेत्र के अंदर गांव-गांव महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, सम्राट अशोक उसके अंदर उपस्थित होंगे। इसके अंदर अभय गौतम चंदोशी से अपनी पूरी टीम के साथ, और रविंदर बोध जो शाने से हैं वो अपनी टीम के साथ पहुंचेंगे। इसके अंदर मेरठ से बहुत सारे साथी इसके अंदर उपस्थित हो रहे हैं, यानी कि हजारों की तादाद के अंदर इस बुद्ध विहार के अंदर, क्योंकि आज हम यहाँ बुद्ध विहार के अंदर ही खड़े हैं, और बहुत सारे हमारे सम्मानित साथी हैं ये, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, आज ये बुद्ध विहार में हैं, और इनके आशीर्वाद से हम बाबूजी चरण सिंह जी हैं, हमारे RP सिंह जी हैं, जिनके कर कमलों द्वारा आपने 2018 में मैंने एक वीडियो चलाई थी, जो वीडियो मैंने चोना गाँव के अंदर जो बुद्ध विहार था उसका जो बहुत बुरा हाल था, जो उसके अंदर मैंने जो उसमें जाकर देखा था, तो उसके अंदर जो लगभग 2 लाख रुपए का उसके अंदर जो बुद्ध विहार है उसका डेकोरेशन, उसके सौंदर्यकरण के लिए जो पैसा उगाकर दिया, वो RP सिंह जी NTPC के अंदर बाबूजी अफसर हैं, और इन्होंने करा, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के प्रयास से चोना के अंदर, वो जो आप कैराना के अंदर जिला शामली है, माननीय बहन जी ने जो जिला बनाया था उसके अंदर जो बुद्ध विहार बन रहा है, इन्हीं के कर कमलों द्वारा, इन्हीं की मेहनत से, इन्हीं के ईमानदारी, इन्हीं के योगदान की वजह से हो रहा है। तो हमारा सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप सब लोग 16 तारीख को सुबह 9 बजे बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम सब लोग 9 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, 10 बजे सामूहिक वंदना होगी, और 10:30 बजे धम्म देशना भंते जी के द्वारा होगी, 11 बजे मुख्य वक्ता लोग जो जीप कैस्ट आ रहे हैं वो अपने अपने विचार रखेंगे, तो आप सब लोग इसके अंदर आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग इसके अंदर उपस्थित होंगे। आप सब लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच रही है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अड़ोस पड़ोस के सभी साथियों से। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। 16 तारीख को मिलते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। हो गया, 2-3 फोटो खींच दे बाबूजी के साथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चाहे तो अपने से खींच देना फोटो।